एक-एक सभी क्वेश्चन पे चलेंगे और लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है? एक होता है जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। जीतने वाले को 60% वोट मिले, ठीक है, तथा हारने वाले को 240 वोट मिले। तो मतदाता संख्या बताइए, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया था वो हमको इसमें बताना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चुनाव हुआ था, ठीक है, चुनाव हुआ था तो इसमें कितने लोग थे? दो, एक पहला कैंडिडेट और एक दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक था जीतने वाला, एक था हारने वाला। तो जो था जीतने वाला, यहां कौन सा आएगा? जीतने वाला। एक होगा आपका हारने वाला, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि जीतने वाले को 60% वोट मिले, जीतने वाले को 60% वोट मिले, और आप जानते हैं कि टोटल कितना होता है 100%। तो जब जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%, ठीक है। अब हारने वाले को 40% मिले हैं और उन हारने वालों के वोटों की संख्या कितनी है? 240। तो आपका ये 40% जो होगा वो इन 240 के बराबर होगा। अगर वो कहता कि वो 240 वोटों से जीत गया जीतने वाला, तो आप इन दोनों का अंतर देखते, ठीक है। या वो कहता कि जीतने वाले को 240 मिले तो आप जीतने वाले के बराबर में रखे जाते, लेकिन वो कह रहा है कि आपको हारने वाले को 240 वोट मिले, हारने वाले को कितने मिले? 240, ठीक है। अब 240 अपॉन में आ जाएगा यहां पर 40, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100, क्योंकि नीचे परसेंटेज है तो ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 क्रॉस करेंगे, 4 से 6 बार, और 6 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो मतदाता संख्या कितनी होगी? 600। अगर आपसे पूछता है कि जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, तो आप इस 600 का आराम से कितना निकाल सकते हैं? 60%। कितना निकाल सकते हैं? 60%। 2 0 से 2 0 गया, कितने हो गए? 36। 360 वोट किसको मिले होंगे? जीतने वाले, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि जो संख्या है मतदाता की वो कितनी है? 600, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से करना है। इसमें लिखा हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक चुनाव में कितने? दो उम्मीदवार, जिसमें हारने वाले को 35% वोट मिले और वह 60 वोटों से हार गए, ठीक है। और कुल मतदाता संख्या, मतदाता संख्या मतलब कितने वोट पड़े। तो चुनाव हुआ था, ठीक, उसमें उम्मीदवार कितने हैं? दो, एक पहला और एक दूसरा, ठीक, दो उम्मीदवार हो गए। अब वो कह रहा है हारने वाले को 35% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले? 35%, ये हो गया आपका हारने, ठीक है। जब हारने वाले को 35% मिले तो सिंपल सी बात है, 100 में से माइनस कर दिए तो कितना बचा? 65%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? अब वो कह रहा है कि जो हारा है वो 60 वोटों से हारा है, तो हम यहां पर देखेंगे वो कितने प्रतिशत से हारा है। तो यहां देखेंगे तो वो हारा है आपका 30%, कितने प्रतिशत से हारा है? 30%। और वहां क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 60 वोटों से हारा है, हमने प्रतिशत कितना कम किया? 30। अब ये प्रतिशत जो 30 है वो किसके बराबर होगा आपका? इन 60 के, ठीक है। तो हम इन 60 को यहां लिख लेते, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद ये आपका 30 यहां चला जाएगा, ठीक है, तो 60 वाई कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। गुणा करेंगे कितना? 100, क्योंकि परसेंटेज है नीचे तो ऊपर कितने बाद मल्टीप्लाई करेंगे? 100। 0 से 0 क्रॉस हो, ठीक है, और 3 से ये 2 बार क्रॉस, ठीक है। तो 2 का गुणा 100 होगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, मतदाता संख्या कितनी हो जाएगी? 200। अगर वो पूछता है आपसे कि इसमें जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो आप 200 का 65% आसानी से निकाल सकते, ठीक है। आप इसको 2 0 से 2 0 करेंगे, ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 130। ये जीतने वाले को वोट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। ये थोड़ा उससे टफ है, लेकिन करेंगे ऐसे पैटर्न से आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर, अवैध का मतलब होता है कि जब चुनाव हुआ तो कुछ वोटें खराब हो जाती है, ठीक है, तो क्या कर दी जाती है? अवैध, ना तो वो जीतने वाले को गिनी जाती है और ना ही वो हारने वाले, ठीक।
इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने थे, दो उम्मीदवार, ठीक है, एक उम्मीदवार को वैध मतों का, मतलब जो वोट सही थे उन मतों का 40% एक को मिला, ठीक है, और जिसको 40% मिला क्लियर सी बात है वो हरा होगा, ठीक है, और वह 1600 मतों से पराजित हो गया, मतलब वो हार गया, ठीक है, क्योंकि 40% मिला है तो 60% दूसरे को मिला होगा तो वो जीता होगा। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए, पंजीकृत मतलब जब वोटिंग लिस्ट तैयार की जाती है तो पंजीकृत कहलाता है, या उस समय कितने वोट दिए गए थे, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे, पहले तो देखेंगे कि 20% अवैध, ठीक है, अब आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, एक हो गया वैध, ठीक है, एक हो गया अवैध, ठीक है, आपको पता है जब 20% अवैध हैं तो 80% वैध होंगे, क्लियर सी बात है, ठीक, तो ये तो अवैध घोषित कर दिए गए, इनको तो गिनना ही नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है, तो इनके लिए कोला बना देते हैं, इनको बाद, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौ 80 4, ठीक है, कितनी बार बेटा 4, ठीक है, अब आप देखिए हमको सिंपल सा करने के लिए एक पैटर्न होता है कि आप जैसे रेशियो में करते उसी प्रकार से आप इसमें 2-2 0 पढ़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो अवैध है, ठीक है, अब हम वैध क्यों देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध कितने हो गए अब हमारे 400 हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, 40% मत मिला, अब आप जानते हैं कि जो हारा होगा, हारने वाला जो होगा उसको कितने मिले, 40, ठीक है, 40% मिले, तो हमें पता है कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे इसमें से, 60, कितने मिले होंगे, 60% जीतने वाले, ठीक है, अब आप देखिए जब 40% इसको मिले हैं तो कितने हो गए, 160, क्योंकि 400 का 40% कितना होता है, 160, ठीक है, और जीतने वाले को कितने मिले, 60%, तो 400 का 60% कितना हो गया, 240, ये जो कैलकुलेशन की जा रही है हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग उसको रखेंगे, अब देखते हैं कि ये जीता है और ये हारा है, वो कह रहा है कि इतने मतों से पराजित हो गया ये, तो हम देखेंगे यहां पर कितने मतों से पराजित हो रहा है, तो आप देखिए यहां पर ये हो रहा है आपके 80 मतों से पराजित, कितने से हो रहा है, 80 मतों से पराजित, ठीक, और वो कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हुआ है, तो ये जो 80 है ये परसेंटेज में तो नहीं है, लेकिन हम इसको इसके ऊपर में रख सकते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनाई, ठीक है, तो ये 80 किसके बराबर हो जाएंगे आपके 1600, ठीक है, अब 1600 बाई कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, अब परसेंटेज नहीं है लेकिन हमने जो रेशियो बनाया है वो 100 के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इसलिए हम कितना लेंगे यहाँ पर, 100, ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से 1 कटा तो बार, तो 20 बड़ा 100 कितना हो जाएगा, 2000, कितना आ गया, 2000, अब वो हमसे पूछ रहा है कि पंजीकृत संख्या कितनी है, तो आप देखिए हमारा इसका रेशियो कितना था, 1, इसका कितना था, 4, ठीक है, टोटल जो पंजीकृत होगी वो अवैध और वैध को मिलाकर होगी, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5, कितने हो जाएंगे टोटल, 5 हो जाएंगे, ठीक है, अब हमसे पूछा है कि पंजीकृत संख्या बताइए, तो इसका 2000 का गुणांक किसमें करेंगे, 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी वो वैल्यू आएगी 10,000, तो पंजीकृत संख्या कितनी होगी, 10,000, अगर वो हमसे पूछता कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो इस 2000 का गुणा हम केवल इस 4 में करते, क्योंकि वैध मत कितने हैं, 4, तो जब इस 4 में हम गुणा करते 2000 का तो कितना आता, 8000, ठीक है, तो वैध मत कितने हो गए, 8000, टोटल मत कितने हो गए, 10000, और वो पूछता है अवैध कितने हो गए, तो आपके 10, इस 2000 का गुणा करते हैं किसमें, 1 में, तो कितने हो जाएंगे, 2000, तो आपके टोटल 10000 हो रहे, 8000 1 और 2000 ये, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे एक बार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, 75% मतदाताओं ने मत डाले, 100% थे उसमें से 75% ने क्या वोट डाले केवल, ठीक है, जिसमें से भी 2% वोट अवैध घोषित कर दिए, मतलब जो वोट डले थे उनमें से भी 2% अवैध घोषित कर दिए, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले,
एक को कितने मिले 1261, कितने हैं टोटल तो? ठीक है, जो वैध मतों के 75% हैं, जो वैध मत मिले हैं ठीक है उसके कितने हैं 75%। तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे या पंजीकरण संख्या भी पूछ सकता है, मतलब स्टार्टिंग का लिस्ट तैयार की गई थी वो कितने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो देखते हैं 75% मतदाताओं ने मत डाले तो कितने डाले, 75% मतदाताओं ने मत डाले ठीक है, तो 25% ने नहीं डाले होंगे, तो 25% ने क्या नहीं डाले, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्रॉस कर सकते हैं 25 से 1 और 25 से 3 योग, मैंने क्या कहा था कि आप इन पर 0 बढ़ा सकते हैं ठीक है, क्योंकि इस पर ही बढ़ा लीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं की बात कर रहा है ठीक है। तो आप इस पर 2 0 बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3, कितना हो गया 3। अब वो कह रहा है कि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, कितने में से, अब 300 में से 2% क्या कर दिए गए, अवैध कर दिए गए ठीक है। तो देखिए 1% कितना हो जाएगा इसका 3 और 2% कितना हो जाएगा 6, तो 6 क्या कर दिए 2% अवैध कर दिए ठीक है, तो कितने हो गए वो 6, 6 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितने बचे 294 ठीक है, 294 बचे। अब वो कह रहा है 294 बचे वो और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों के कितने थे 75%, अब हमारे अकॉर्डिंग कितने मिले 294 ठीक है, वो कितने परसेंट है 75, पर आप जानते हो कि 75% को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ दूं तो ये आएगा 25 75 25 100, कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4 ठीक है। ये भी क्या है 75% है किसके, वैध मतों के, तो वैध मत ये हो गए इसके कितने 3/4 ठीक है। अब ये हमारे अकॉर्डिंग आ गए, हमको क्या करना है इनके अकॉर्डिंग को रखना है क्योंकि उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9261 मिले, तो इसको रखेंगे 9261 ठीक है, तो 9261 बटे हो जाएगा आपका ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ऊपर जाके, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ ठीक है, और 294 आ जाएगा आपका नीचे और गुणा 3 यहाँ आ जाएगा ठीक है। अब हमने 2 0 बढ़ाए थे यहाँ पर, तो हम भी यहाँ पर कितना लेंगे 100 मल्टीप्लाई 2 0 ठीक है। अब आप जानते हैं कैलकुलेशन को काटेंगे तो टाइम लगेगा, आप जानते हैं 9261 का क्यूब ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21 ठीक है, और गुणा 4 बटे 294 गुणा 3 ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका 100। अब देखिए आप 21 से काट सकते हैं आसानी से, 21 एक 21 ठीक है, और 21 से कितना हो जाए 8, 21 का 84 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 4 ठीक है। अब आपको पता है 14 आ गए यहां पर, 3 से इसको काट सकते हैं 7 ठीक है, 7 से इसको क्रॉस कीजिए 2 ठीक है, 2 से इसको क्रॉस कीजिए 2, तो कितना आ गया आपका 21 गुणा 2 गुणा 100, 21 दूनी हो गया 42 और 2 0, अब हमारी यूनिट कितनी आ गई 42। अब आपसे क्या पूछा था उसने कि कुल मतदाता संख्या क्या थी, तो 3 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए आपके 4, कितने हो गए टोटल आपके 4 ठीक है, आपके टोटल हो गए 4 ठीक है, और हमारी यूनिट कितनी आई थी 4200, तो आपका आ जाएगा 2 0 का 2 0 4 2 8 4 4 100, तो टोटल जो वोट पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे 16800 ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कितने टोटल वोट पड़े थे, तो इनका रेशियो कितना है 3, कितना है इनका रेशियो 3 ठीक है, तो आप इस 4200 में 3 का कर सकते हैं गुणा आसान, 0 का 0 6 और 3 4, तो 12600 कितने पड़े थे वोट ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% ठीक है, कुल वोटों के 2% अवैध घोषित कर दिए, मतलब
100% में से 2% पहले ही अवैध घोषित कर दिए गए और जो वैध बचे थे उनका है ना 55% मिला था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले ही टोटल वोटों को दे दिया गया जो है आपके 104,000। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन करते हैं उसी पैटर्न से करेंगे। ठीक, ये हो गया आपके अवैध और ये हो गया आपके। ठीक है, अवैध जब 2% है तो आपको पता है 98% क्या होंगे वैधों। ठीक, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं मत, और आप इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 49 आ गया। अब आपको पता है कि ये टोटल मिलाकर जो वोट हैं वो कितने हैं 104,000। कितने हैं 104,000। तो देखिए टोटल ये कितना हो गया 50। ये कितने हैं आपके 104,000। ठीक, 104,000 वोटों को देखिए। अब ये इसके नीचे आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 50 हमने निकाला है 104,000 डिवाइड बाय। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो को क्रॉस करेंगे, 5 × 2 = 10, 2 में एक साथ जितने जीरो बढ़ाते हैं 15 × 2 = 40, एक जीरो का एक जीरो, ये आ गया आपके टोटल वोटों की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं कि उसको 55% वोट मिले। ठीक है, कितने परसेंट वोट मिले 55%। ठीक है, और किसके मिले वैध मतों के, वैध मतों के कितने मिले 55%। ठीक है, तो वैध मतों के 55% वोट उसको मिले। ठीक है, और ये आपके आ जाएंगे 49। ठीक है, आप जान से जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, दो से इसको काटेंगे 104 बार, दो से ये 5 बार, 5 से ये 11। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो 11 × 44 4 आ जाएगा और पूरा पूरा 44 यहाँ लग जाएगा, 11 × 11 यहाँ पे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे आपके 1144। ठीक है, गुणा करेंगे आप इसमें 49 का। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके 56,056। ठीक है, तो जिसको जो वोट मिले थे वो कितने मिले थे 55%, और जो 55% वोट है वो कितने हैं आपके 56,056। ठीक है,